किसान उन्हीं फसलों को तवज्जो देते हैं जो उन्हें अधिक लाभ पहुंचाए। कॉटन पिछले कुछ वर्ष से ऐसे ही फसल साबित हो रही है। चालू खरीफ सीजन 2022-23 में देश में कॉटन का रकबा 4 से 6% बढ़कर 125 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया है। वजह यह है कि पिछले 2 साल से किसानों को कपास का दाम अच्छा मिल रहा है। सोयाबीन की कीमतों में आई हालिया तेज गिरावट भी किसानों को कपास की बुआई करने के विकल्प का चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करेगी। इस साल अच्छी किस्म के कॉटन का MSP 6,380 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि बाजार में 12 से 13 हजार रुपए तक का दाम मिल रहा है। इसलिए किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए ज्यादा बुआई कर सकते हैं। सोयाबीन का भाव भी MSP से अधिक मिल रहा है, लेकिन उसमें कॉटन इतनी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 1 जुलाई तक कॉटन की सिर्फ 4% कम बुआई हुई है। प्रमुख उत्पादक महाराष्ट्र में अब तक पिछले साल के मुकाबले 21% अधिक बुआई हो चुकी है। मौजूदा सीजन यानी 2022-23 में 23.65 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है, जबकि पिछले साल यानी 2021-22 में 19.59 लाख हेक्टेयर में ही बुआई हुई थी। हालांकि मध्य प्रदेश में पिछले साल के मुकाबले इस बार 46% कम बुआई हुई है। इस साल 1.80 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है, जबकि पिछले साल 3.34 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी थी। पंजाब में पिछले सीजन के मुकाबले इस बार सिर्फ 2% कम बुआई हुई है। वहां इस साल 2.48 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। हरियाणा में 6.51 लाख हेक्टेयर, गुजरात में 10.86 लाख हेक्टेयर, तेलंगाना में 9.21 लाख हेक्टेयर और कर्नाटक में 2.89 लाख हेक्टेयर में कॉटन की बुआई हुई है। इसी तरह 1 जुलाई तक राजस्थान में 5.57 लाख हेक्टेयर में कॉटन की बुआई हुई है। वहीं बता दें कि महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे प्रमुख कॉटन उत्पादक राज्यों में मॉनसून जैसे जैसे आगे बढ़ा है, बुआई की गतिविधि पिछले साल की तुलना में 1 जुलाई तक बेहतर हो गई है। मौजूदा सप्लाई की कमी और मांग में कमी की अनदेखी करते हुए बेहतर फसल की उम्मीद में कॉटन की कीमतों में गिरावट शुरू हो चुकी है। मंदी का डर, बढ़ती ब्याज दरें, चीन में लॉकडाउन और मॉनसून में सुधार से कॉटन की कीमतों में गिरावट के वहीं बता दें कि जुलाई में मॉनसून सामान्य रहने के अनुमान से बुआई में बढ़ोतरी से कॉटन की कीमतों पर दबाव बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।